भाई दून, मैं बता रहा हूँ, ये कांड है ना उन तीनों लड़कियों का ही है। वरना एक बात बता, आज तक हम लड़कियां छेड़ते थे और अब वो तीनों हमें छेड़ रही है। मैं नींद में काटता हूँ। ठीक है ठीक है, इनको तो देख लेंगे, लेकिन पहले हमें शर्मा जी की क्लास में चलना चाहिए। आज वो एग्जाम के रोल नंबर देने वाले, जरा भी लेट हो गए तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे चप्पल पहन के। यार ये रंग तो बड़ा पक्का है यार, छूट नीला थोड़ा घिस यहाँ पे। हाँ यार लगता है खाल खिंच जाएगी लेकिन रंग नहीं उतरेगा। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, भाग यहाँ से। तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, तुम्हारे कपड़े लेने आई हूँ मैं। प्लीज हमारे कपड़े लेके मत जाओ प्लीज। हेलो सुनो, एक्सक्यूज मी, चुप कर। वाओ 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 शिमला शिमला, प्लीज मत जाओ हमारे। अब तो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म टीसी मिलने वाला है तुम्हें, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अभी तक पानी के अंदर हो, जा क्यों नहीं रहे? शर्मा सर रोल नंबर दे रहे हैं। पर हम क्या करें, हमारे कपड़े तो शिमला ले गई। बहुत बुरा हुआ, वेरी बैड। शिमला की ना हमेशा की आदत है दूसरों के ना कपड़े चुराने की, शी इज वेरी रूड। लेकिन इस हालत में हम लोग कैसे बाहर आए, प्लीज टेल मी। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। लिखा है ये? क्या सर, क्या 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 लिखा है? यही कि शर्मा लड़कियों का दीवाना है, इसलिए आज हम लड़कियों की ड्रेस में आएंगे। सर आप भी ना एकदम फूलिश हैं। ऐसे नहीं बोलते। ओके सर, आप भी ना एकदम बेअकल की बात कर रहे हैं, मतलब सेम थिंग। सर आपको पता है ना, ये उन्हीं लोगों ने लिखा होगा ना जो अभी लड़कियों के कपड़े पहन के आएंगे। ऑब्वियसली वैसे सर देहरा और दोन दिखाई नहीं दे रहे, मैं पढ़ रही हूँ। मैं आई कम इन सर। ओह ये एक बात बताऊँ, ये सब है ना इन तीनों का प्लान है, वरना इतनी बेइज्जती है ना हमारी आज तक नहीं हुई। मैं नींद में काटता हूँ। मैं हूँ शर्मा मास्टर, एक हाथ में बांध कर प्लास्टर, फ्रिज करंट मारता है तो समझ गया मैं, मतलब वो तुम दोनों ही हो जिसने ये लिखा है, है? Oh, no. लड़कियों को सबक सिखाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। अरे हमारी कोई इज्जत है कि गेहूं का खेत? जब देखो वो तीन लड़कियां आती हैं, हर जूत पे चली जाती हैं, चप्पल पहन के। वो क्यों रहा था? आप बिना कटा रहा? चुप। वो है मैं खोद गाड़ दूँगा यार। रोना नहीं है। रोना नहीं है। रोना नहीं है। आँखें निकाल के गोटी खेलूंगा मैं। बोलने तो दे। देख, अब मैं बता रहा हूँ, आज है ना उन तीनों लड़कियों का ऐसे सबक सिखाएंगे
कि आज के बाद ना वो यहाँ पर नजर नहीं आएगी, मैं नींद में काटता हूँ। डर के मत भाग जाना इस बार। नहीं आने दो, छोड़ूंगा नहीं। देहरादून नहीं, क्या हुआ? बड़े दुखी से लग रहे हो, परेशानी है कोई? अपसेट हो, एंग्री हो, कुछ बुरा हुआ है? पूछना शिमला देखना। हाँ मनाली, इनकी शक्ल देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी बैंड ही बजा दिया है। क्यों उड़ी दैया रे? हाँ देखो ना कैसे खिसियानी बिल्ली की तरह शक्ल हो गई इन लोगों की। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने हमारा बहुत बैंड बजा लिया। हाँ अब है ना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैं नींद में काटता हूँ। बस अब हम मुर्गा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं, फिर क्या बनोगे? डोंकी। यार देहरा। हाँ दून। अब इन्हें बता ही देते हैं कि देहरादून से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कहाँ गई मैडम? मैडम को बुला दो। क्या हो गया? बोले 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 बोले। नमस्ते मैडम, हमारी बात सुनिए। क्यों क्यों सुनूं बात? मैं थारे चाचा का मुंडू हो रही हूँ, जो थारी बात सुनना हमारे लिए अनिवार्य है। देखो देखो एक काम करो, देखो जो भी बात है, दिन है कि रात है, गर्मी है या बरसात है, खुल के बोल डालो, बन जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम की दिमाग की सैटेलाइट चढ़ गई हाइट, फिर हमारी मैडम जो है वो एक नंबर की घुसेल गीता, मेरा मतलब है अत्याचारी रीटा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ में आ रही है बात तुमको? He's right. मैडम जी बात ये है कि हम है ना इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। बॉयज गर्मा गर्म समोसे खाओगे? हाय सॉरी सॉरी। मैडम जी बात ये है कि हम है ना इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां पर है ना हमारी क्लास में तीन लड़कियां पढ़ने के लिए आई है, बस हम उन्हीं के खिलाफ FIR लिखवाने आए हैं। क्यों, क्या कर दिया उन तीनों ने? अरे हमें बहुत परेशान किया, हमें मार मार के सुझा दिया, इतना रुला दिया और हमारा भविष्य सुला दिया चप्पल पहन के। ये, ये। अब आप ही बताइए कि कोई लड़की लड़के को कैसे छेड़ सकती है? क्यों भाई क्यों नहीं? नहीं जब लड़के लड़कियों ने छेड़ सके तो क्यों ना हो सके वाइस से वर्षा? क्यों भूल गए? तुम्हारी वजह से वो तैयार तिवारी और उसका फादर चौकी के चक्कर लगा लगा के थक गए। तिवारी साहब की बेटी को तुमने इतना छेड़ा दिन। उसके संग इतनी शरारत की, एग्जाम के दिनों में पटाखे छोड़ दिए, उसको इतना डिस्टर्ब करा, उसके बाप को पार्सल भेज दिया बम फुड़वा के, और तो और अंत में ऐसी तुमने लीचड़ हरकत करी, भूत बन के उसे ऐसा डराया कि छोरी कतई गुमसुम आ गई। मैडम हम बीच में मत बोल। तीन लड़कियों ने दोनों को छेड़ दिया तो आंसू निकल आए, कतई तिल मिला गए, रोते हुए आ गए चौकी रपट लिखाने। और सोचो के बीती होगी उस छोरी पे जब तुम दोनों बेवकूफ मुस्टन ने मिलके दिन रात उसे परेशान करते थे, उसका जीना दूभर कर दिया था दोनों ने। जब खुद समोसे हजम नहीं कर सकते हो तो क्यों? जब खुद समोसे हजम नहीं कर सकते हो तो दूसरों को भजिया क्यों खिलाते हो तुम लोग? जो बर्ताव खुद सहन नहीं कर सकते वैसा बर्ताव किसी और के साथ कैसे कर सकते हो? मैडम हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम माफी मांगने के लिए तैयार है, मैं नींद में काटता हूँ। ये, ये। ऐसी बात है तो ठीक है, आओ तिवारी अंकल। नमस्ते अंकल। ठीक है चलो चलो चलो। अंकल जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, मैं नींद में काटता हूँ। अंकल जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बेटी तो क्या किसी की बेटी को भी नहीं छेड़ेंगे आज के बाद। इस चीज का हमें एहसास अब हुआ है जब उन महान लड़कियों ने हमें बुरी तरीके से छेड़ा। मैडम जी
अगर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो भी आप इन्हें माफ कर दीजिए। मार्केट में नया टीवी आया है। टिंग टिंग टिंग। क्यों बेटी, तुम इन्हें माफ करने को तैयार हो? ठीक है मैडम, आप कह रही हैं तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। बल्ब का होल्डर ढीला है, चले डैडी? हाँ बेटा चलो। अब छेड़ना मत मेरे को। दोबारा निकल। अरे तो ठीक है ना, हो गया ना। चलो गुड, वेरी गुड, बहुत सही करा। और इब तुम टेंशन मत लो, उन तीनों छोरियों का तो मैं ये हाल करूंगी कि तुम्हें छेड़ना तो दूर की बात, कल से कॉलेज ही ना आएंगे। और बोलो। लेकिन लेकिन अगर जरा से भी शरारत के सींग कुलबुला गए ना, तो मोटी वाली से शादी करा दूंगी थारे गोल गाल वाले की। तुम्हारे घर में आके रह लेगी फिर। नमस्ते मैडम। थैंक यू मैडम। बॉयज गर्मा गर्म समोसे खा के जाओ यार। अरे नहीं दादाजी, पढ़ाई करनी है अभी। नहीं नहीं खाओ यार, अभी निकाले हैं यार, गर्मा गर्मा है यार। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, टाटा हेलो। नहीं अरे सुन, समोसे ठंडे करने का टाइम आ गया है। Excuse me. Yes, please. How can you help me? भाई हेल्प तुम कर सकते हो हमारी। हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है और हमने सुना है कि तुम्हारी दुकान के समोसे उन्नाव के समोसों को फेल कर रहे हैं, जगह जगह खेल कर रहे हैं। Well, thank you very much, Isda. आपने सुना है सच, Isda. तो खिलाओ खिलाओ, समोसे खिलाओ अपनी दुकान के, खिलाओ भाई. Why not, Isda? समोसे हैं बड़े hot, Isda. थोड़ा चटनी डालो. हाँ. मीठी चटनी डालो. हाँ डालो डालो, मीठी शौक है हमको. लीजिए. भाई साहब एक बात पूछूं जी, ये बुढ़ापा सिर्फ आपके सर तक क्यों सीमित रह गया जी? दिमाग से सोचते हैं ना, इसलिए बुढ़ापा जो है वो सर पे छा रहा है। अच्छा अच्छा। भाई साहब समोसे कैसे लग रहे हैं जी? बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया है समोसे, बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छे वाले हैं। मुझे देखो, समोसे तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब ये जो प्लेट है ना, ये हमने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस प्लेट में लगा है तेल। भाई इस दा समोसे हैं एकदम फ्राई, इस दा फ्राई है, लेकिन कौन से तेल में फ्राई है ये जांचने के लिए प्लेट लेके जानी पड़ेगी। अगर तुमने समोसे घटिया सड़े हुए और बदबूदार तेल में बनाए होंगे तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी गोपी। Well, huda, yuda, arizda, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आ रहा है मुझे बुखार इसदा। गुरु ये देखो, सक्सेना खाओ प्रसाद सक्सेना, इस इलाके का नया फूड इंस्पेक्टर है हम। अच्छा। समझे? अच्छा। प्लेट लेके जा रहे हैं, जांच होगी। सुनिए सुनिए भाई साहब, बात तो सुनिए मेरी। भाई साहब, भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए। भैया ओ बिल्लू, क्या भैया क्या क्या जरूरत थी आपको उस घटिया 2 कौड़ी के तेल में समोसे तलने की? अब उस तेल की वजह से आप जिंदगी भर हवालात में सड़ते रहेंगे। तूने उस तेल में समोसे नहीं तले गोपी, तले थे नहीं यार,
तूने उस तेल में समोसे नहीं तले, अपना बुढ़ापा तल दिया है। गोपिया बैठ बैठ इस काल कोठरी में और बैठ के चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग कर। हाँ भैया हाँ, लेकिन कोई आपका साथ दे या ना दे भैया, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, भले कोई आपकी कितनी भी बेइज्जती क्यों ना करे भैया, मैं हमेशा आपको इज्जत दूंगा भैया। थैंक्स ब्रो। गेट आउट। कुछ हुआ था क्या? ओपी तू आ जा यार, मेरे दोस्त मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा, आ जा। मॉम, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं 10 साल जेल में कैसे रहूंगा? यो तो सड़े हुए तेल में समोसे तलने से पहले सोचना चाहिए था ना यार। मॉम मैंने तेल में समोसे नहीं तले जी, मैं तो किसी दूसरे हलवाई से समोसे लाता था जी खरीद के, और पता नहीं उस हलवाई ने कैसा सड़ा हुआ तेल यूज किया जी। भाई लेकिन इससे अब जो हो गया और कानून तो यो सब मानेगा नहीं ना। देखो मेन चीज यो है कि लैब में यो बात क्लियर हो गई है कि जो तेल जिसमें समोसे तले गए वो एकदम घातक, एकदम सड़ा हुआ पथेटिक घटिया टाइप का तेल था जिसके यूजेज से आदमी मर तक सके। अब ऐसे में तैने बताना काफी इम्पॉसिबल हो जावे, लेकिन लेकिन अगर तो तू यो बात दा करे कि भाई मैडम आगे से जी मैं कभी कोई टपरी कोई दुकान कोई ढाबा या यो दुकानदारगिरी में नहीं फंसूंगा और अपनी पुलिस की ड्यूटी बढ़िया बजाऊंगा कंसंट्रेट करूंगा, तो मैं उस फूड इंस्पेक्टर से बात करके केस ने बंद करा सके हूं, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, बचपन का क्लासमेट रह चुका है। प्लीज मॉम आप उनसे कीजिए बात इस दा, आई डोंट लाइक हवा लात इस दा। अब तू वादा कर देना यार, इस दा करना छोड़, वादा कर। मॉम मैं वादा करता हूं, मैं ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद कोई भी दुकान चुकान कोई भी काम धंधा बिजनेस सब भुला दूंगा, चाहे किसी की शादी हो चाहे सगाई हो या मुंडन हो या रोका हो, कभी किसी का ऑर्डर नहीं लूंगा, बल्कि शराब से पुलिस की नौकरी करूंगा, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। चलो वेरी गुड, हो गया सही, चल। हेलो गोप स्पीकिंग या हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आपकी बेटी की शादी है? ओहो मारा टेंशन नहीं लेनी, हाँ जी हाँ डिनर का पूरा ऑर्डर लूंगा, हाँ जी चिंता नहीं करनी। अब ये बताओ क्या क्या डिशे होंगी जी? राजमा मटर सॉरी